स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 समझाने जा रहा हूँ, जिसमें दो पार्टनर हैं, शांतिनाथ और शीतलनाथ। इन्होंने नया पार्टनर शामिल किया है 1/4 के लिए, और नेमिनाथ जो 32,000 रुपये पूंजी के लाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, जो चीज़ घट रही है वो इधर, जो बढ़ रही है वो इधर। इसमें दे रखा है आपको बिल्डिंग और फर्नीचर का 10% लॉस लगाना है, तो बिल्डिंग पर 10% लगाएंगे वो 6,000 आएगा, फर्नीचर पर 10% लगाएंगे वो 800 आएगा। बैड डेब्ट का दिया है उन्होंने, देनदार को 5% बैड डेब्ट लगाना है, देनदार को 5% बैड डेब्ट निकाल लेंगे हम तो 2200 रुपये आएगा, लेकिन उन्होंने 2000 रुपये बुक में लगा रखा है तो हमें खाली 200 रुपये दिखाना है। टोटल करेंगे 7000 को इनके रेशियो में बांट देंगे, इक्वल है तो 3500 रुपये दोनों में बट जाएंगे। ये होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इससे बाद में हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, जो इनकी कैपिटल है पहले से ही 42,000। फिर जो नया पार्टनर लाया है नेमिनाथ, वो लाया 32,000 रुपये, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, जो गुडविल है, गुडविल इन्होंने दिया कि फर्म की गुडविल 24,000 रुपये है, तो हम उसका 1/4 निकाल लेंगे, 6,000 रुपये वो हो जाएगी आपकी नेमिनाथ की गुडविल। 6,000 रुपये को हम इन दोनों में बांट देंगे, 3,000 रुपये इनके रेशियो में, और 6,000 रुपये इधर हम अकाउंट से डेबिट कर देंगे नेमिनाथ के, 6,000 रुपये टू गुडविल। और रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया था 3500 रुपये, उसे दिखा देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3500 रुपये यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे रिजर्व अकाउंट। रिजर्व जो आपको बुक में दिया हुआ है 16,000 रुपये का, जो इनके रेशियो में बांट दिया हमने 8,000 रुपये। इसके बाद आपको लाभांश खाता दे रखा है, वो बांट देंगे इनके रेशियो में 4,600 जो आपको 9,200 दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, इनकी फिर पूंजी समाहित करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इनका रेशियो, तो यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो जो इनका दिया हुआ है, हाफ हाफ है, 1/2, 1/2 दोनों इक्वल है, तो रिमेनिंग रेशियो निकालना है, तो 1 में से पूरी फर्म के रेशियो में से हम नए पार्टनर का रेशियो घटा देंगे तो वो आ जाएगा 3/4। ये 3/4 जो आया है ये ओल्ड पार्टनर रेशियो आ रहा है, तो इसे कैसे करेंगे, शांतिनाथ का न्यू रेशियो निकाल लेंगे, 3/4 × 1/2 तो वो आ जाएगा आपका 3/8, ये आएगा शांतिनाथ का न्यू रेशियो। इसी प्रकार निकाल लेंगे शीतलनाथ का न्यू रेशियो, 3/4 × 1/2 तो वो आ जाएगा आपका 3/8। नेमिनाथ का न्यू रेशियो आएगा 1/4 आपको दिया हुआ है, उसे इक्वल करने के लिए, क्योंकि इन दोनों के नीचे कितना है 8 लाइन के लिए क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 के नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 2/8, ये आ गया इनका न्यू रेशियो। इसके बाद क्या करेंगे, नेमिनाथ की कैपिटल देखेंगे कितनी है, जो नया पार्टनर है तो नेमिनाथ कैपिटल है 32,000 रुपये जो वो लाया है। इसमें से हम क्या करेंगे, गुडविल घटा देंगे, इसकी जो गुडविल है इसकी 1/4 उसे घटा के, मतलब इसकी कैपिटल जो है वो 26,000 रुपये मानी जाएगी, 26,000 रुपये लाया है। तो हम क्या करेंगे, पूंजी समाहित करने के लिए 1/4 शेयर के लिए नेमिनाथ कैपिटल लाया कितने, 26,000 रुपये, और 1 शेयर के लिए पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 26,000 × 4/1, ये 4 ऊपर चले जाएगा 1 नीचे। इसके बाद क्या करेंगे, 3/8 शेयर के लिए शांतिनाथ कैपिटल निकाल लेंगे, तो उसे 26,000 × 4/1, ये पहले से ही है, × 3/8, 4 × 2 = 8, इसे काट के आ जाएगी 39,000 रुपये कैपिटल। इसी प्रकार सेम शीतलनाथ की कैपिटल निकाल देंगे, वो भी आपकी 39,000 रुपये आएगी। फिर हम क्या करेंगे, कि जो कैपिटल आई है इसे यहाँ दिखा देंगे कैपिटल अकाउंट में, टू बैलेंस सीडी 39,000 और इसकी है 26,000 रुपये। फिर टोटल करना है हमें, टोटल देखना है कि इस साइड का ज़्यादा है या इस साइड का ज़्यादा है, तो इस साइड का टोटल ये 55,600, इसका आएगा 47,600 और इसका आएगा 32,000। सेम इसे इधर इधर लिख ली गई, फिर इसमें से ये घटा के आपका ये टू कैश अकाउंट, मतलब इतने रुपए इनके फालतू हैं नए निकाल देंगे कैश अकाउंट में, इसमें से ये घटा के ये आएगा 13,100, इसमें से ये घटा के ये आएगा 5,100। फिर बनाएंगे हम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या करेंगे, कैश अकाउंट में सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखेंगे 2800 रुपये जो बुक में दे रखा है, फिर जो नेमिनाथ कैपिटल लाया 32,000 रुपये उसे लिखेंगे, टोटल कर देंगे, दूसरी तरफ जो इन्होंने निकाल लिए जो इनके कैपिटल अकाउंट में फालतू पैसे हैं, तो इसके 13,100, इसके 5,100, तो बैलेंस कितना बचेगा आपका 16,100, ये जाएगा बैलेंस शीट में, ये होगा आपका कैश अकाउंट। फिर बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट जो आपको दे रखी है सेम ऐसी बनेगी। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले लेनदार दे रखे हैं, लेनदार ऐसे लिख देंगे, देवपत्र दे रखा 20,000 का उसे ऐसे लिख देंगे, सामान्य संचय नहीं आने का, लाभानी नहीं आने का, कैपिटल ये आएगी जो हमने अब निकाल ली है। दूसरी तरफ जो लिखेंगे कैश, ये लिखेंगे जो हमारा कैश अकाउंट का आया है। इसके बाद बैंक लिखेंगे 37,200, देनदार लिखेंगे हम 42,000 रुपये में से हमें 200 रुपये घटाने हैं, तो 41,800। इसके बाद फर्नीचर जो है, फर्नीचर में से 800 घटा देंगे, भवन में से हम कितने घटा देंगे 6,000, ये बन जाएगी आपकी बैलेंस शीट, डेट्स ऑल।